soul and every shameless sin. तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि जब डेविल किसी कमजोर को पजेस कर लेता है तब क्या होगा, पजेस्ड पर्सन को क्या क्या तकलीफें झेलना पड़ेगी, क्या एग्जॉर्सिज्म करके डेविल को हराया जा सकता है, या फिर गॉड के एंजल्स पर ही डेविल भरी पड़ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है द पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मूवी की कहानी शुरू होती है कुछ लाइन से जहाँ पर लिखा हुआ था, जब हम कहते हैं कि डेविल नहीं है और डेविल का मजाक बनाते हैं तब डेविल और ज्यादा खुश होता है। फिर सीन आता है 4 जून 1987 इटली में, जहाँ पर फादर गैब्रियल क्रिश नाम के एक लड़के का एग्जोसिस्म करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर क्रिश बहुत ही अग्रेसिव बिहेव कर रहा था। फादर गैब्रियल उस डेविल को ट्रिक करके क्रिश की बॉडी से निकालकर एक पिक की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, और पिक की बॉडी में डेविल ट्रांसफर होने के टाइम पर फादर गैब्रियल डेविल को वापस से हेल में भेज देते हैं। और उसके बाद अब क्रिश बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पर जूलिया, उसके दो बच्चे एमी और हेनरी अमेरिका से स्पेन अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, और उनके नए घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। घर में जाने के बाद में कार्लोस जूलिया को फादर थॉमस से मिलाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये घर जूलिया के हस्बैंड की फैमिली का है, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन उनको मिला है। और ये घर पहले एक चर्च हुआ करता था। जूलिया के हस्बैंड की मौत के एक साल के बाद वे लोग अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए इस घर में शिफ्ट हुए थे। दूसरी तरफ घर में घूमते घूमते हेनरी बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो एक होल को नोटिस करता है। होल के दूसरी तरफ उसको एक वर्टिकल सिंबल दिखाई देता है। जूलिया के पास में पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो इस घर को रिनोवेट करने के बाद इसे बेचकर अमेरिका वापस जाना चाहती थी। सीन कट होता है और हम एक महीने के बाद रोम का सीन देखते हैं, जहाँ पर फादर गैब्रियल को चर्च की अथॉरिटीज ने मिलने के लिए बुलाया हुआ था। क्रिश का एग्जॉर्सिज्म फादर गैब्रियल ने किसी की परमिशन के बिना किया था, जिस वजह से चर्च की अथॉरिटीज उनसे गुस्सा थी। लेकिन फादर गैब्रियल के मुताबिक वो एक चीफ एग्जॉर्सिस्ट थे, तो किसी भी इनोसेंट की मुसीबत के टाइम उनको किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ जूलिया के घर में एक वर्कर को उसी होल से कोई चीज दिखाई देती है, और जब एक वर्कर एक लाइट से उस होल के अंदर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कार्लोस उस घर का काम छोड़ देता है क्योंकि उस घर में बहुत खतरा था और वर्कर बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। अब उस रात को हेनरी को अटैक आने लगता है और वो कह रहा था कि सभी लोग मरने वाले हैं, और हेनरी खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा था। जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, और डॉक्टर को लग रहा था कि अपने फादर की मौत से हेनरी मेंटली डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि हेनरी की हेल्थ रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी। फिर उसी रात को हॉस्पिटल में लाइट चली जाती है और जूलिया हेनरी के पास जाती है। अचानक से हेनरी किसी और की आवाज़ निकालकर जूलिया को उसे अपने ब्रेस्ट से फीड कराने को कहता है। हेनरी फिर जूलिया को दूर ढकेल देता है, और हेनरी बार बार किसी प्रीस्ट को उसके पास में बुलाने को कह रहा था, और अपने आप हेनरी के पेट की स्किन में जख्म हो जाते हैं। जूलिया फिर फादर थॉमस को हेल्प के लिए बुला लेती है, लेकिन जब फादर थॉमस हेनरी के पास जाते हैं तो हेनरी फादर थॉमस को एक गलत प्रीस्ट बताकर दूर ढकेल देता है। दूसरी तरफ चर्च के पॉप फादर गैब्रियल को हेनरी के केस के बारे में बताते हैं, और पॉप के मुताबिक उस खतरनाक डेविल का सामना सिर्फ फादर गैब्रियल कर सकते हैं, और उनको हेनरी की मदद करने के लिए स्पेन भेज दिया जाता है। फादर गैब्रियल स्पेन जाकर पहले तो फादर थॉमस से मिलते हैं। थॉमस फादर गैब्रियल का पहले से ही बहुत बड़ा फैन था, और उनके साथ काम करने की बात से ही थॉमस बहुत खुश हो जाता है। अब फादर गैब्रियल जूलिया से मिलते हैं और उससे हेनरी के बारे में बातें करते हैं, और फिर वो हेनरी को देखने भी जाते हैं। फादर गैब्रियल हेनरी के पास जाकर कुछ प्रेयर्स करने लगते हैं, लेकिन हेनरी उनको कहता है कि प्रेयर का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फादर गैब्रियल हेनरी को एक प्रेयर लिखा हुआ एक मेटल दिखाते हैं, जिसके बाद हेनरी की आंखें बदल जाती है। इससे हम जान पाते हैं कि हेनरी को किसी डेविल ने पजेस किया हुआ था। हेनरी अपने फादर की मौत से डिप्रेशन में था, तो इसलिए हेनरी का दिल कमजोर पड़ गया था, और डेविल ने हेनरी को आसानी से पजेस कर लिया था। फादर गैब्रियल के बार बार पूछने पर भी डेविल उनको अपना नाम नहीं बता रहा था, और ये वाला डेविल फादर गैब्रियल की बहुत सी बात जानता था। यहाँ पर हम फादर गैब्रियल के एक पास्ट लाइफ के इंसिडेंट को भी देख पाते हैं, जहाँ पर एक वॉर के टाइम पर फादर गैब्रियल सभी साथी सोल्जर मारे गए थे, और वही बस अकेले जिंदा बचे थे। दुश्मनों से लड़ने की वजह से फादर गैब्रियल ने वहीं पर मरने का नाटक किया था ताकि वो जिंदा बच पाए, और फादर गैब्रियल को डराने के लिए डेमन उनकी पास्ट लाइफ के इंसिडेंट को दिखा रहा था। अब फादर गैब्रियल जूलिया से बातें करने लगते हैं, और इधर एमी हेनरी के पास जाती है, लेकिन हेनरी का ये रूप देखकर एमी डरकर अपने रूम में चली जाती है। फिर उसी टाइम एमी को अपने मरे हुए फादर की कॉल आती है, जो कि एमी से कहते हैं कि सभी लोग मर जाएंगे।
एमी जूलिया और फादर गैब्रियल को इस फोन कॉल के बारे में बताती है। फादर गैब्रियल और फादर थॉमस की बातों से हमें पता चलता है कि ये डेमन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसके टॉर्चर से हेनरी ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं बच पाएगा। और एग्जोसिस्म करने के लिए उनके पास में डेमन का नाम भी नहीं था, तो इसीलिए पहले तो उनको डेमन से ही डेमन का नाम निकलवाना होगा। दोनों फिर हेनरी के पास जाते हैं, जहाँ पर वो डेमन फादर गैब्रियल और थॉमस को उनके पास की गलतियों को याद दिला रहा था, ताकि दोनों कमज़ोर पड़ जाएं। उनकी प्रेयर पढ़ते ही लाइट चली जाती है और अचानक फादर गैब्रियल के सामने रोज आती है, जो कि उनको कहती है कि फादर गैब्रियल को उनके पापों की सज़ा मिलेगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद डेमन थॉमस को बताता है कि चर्च का फादर होने के बाद भी वो एक लड़की के साथ में इंटीमेट हुआ था और गुस्से में थॉमस हेनरी को मारने वाला था। लेकिन फादर गैब्रियल उसको समझाते हैं कि डेमन उनको कमज़ोर करने के लिए यह सब कह रहा है। दोनों फिर बाहर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फादर गैब्रियल एक बार रोज़ नाम की एक पजिस लड़की को देखने गया था और रोज़ उनको बता रही थी कि डेविल उसके साथ में इंटीमेट होता है। लेकिन फादर गैब्रियल रोज़ की इन बातों पर बिलीव नहीं करते हैं और ये सब उसकी मेंटल बीमारी मानकर रोज़ को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। फिर उसके कुछ दिनों के बाद में पजिस टोकर रोज़ फादर गैब्रियल के सामने ही एक बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देती है। उस टाइम रोज़ की प्रॉब्लम को सीरियसली लेकर अगर फादर गैब्रियल रोज़ की मदद करते हैं तो शायद वो आज जिंदा होती। फिर अचानक डेविल की बातों से फादर गैब्रियल को कुछ याद आता है कि डेविल को हेनरी नहीं कोई और चाहिए। फादर गैब्रियल गार्डन में जाकर देखते हैं कि उनको एक वेटिकन का सिंबल मिला है और उनको याद आता है कि ये घर जब चर्च था तब यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी। दूसरी तरफ जूलिया को भी कोई अनजान शक्ति हैरेस कर रही थी। फिर थॉमस जब प्रेयर पढ़कर हेनरी के पास जाता है तो हेनरी थॉमस के कान को काट लेता है और उसको कहता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बच के जाएगा। इधर दूसरे रूम में एमी को डेमन उसके बेड से फेंक देता है और एमी डर के मारे अलमीरा में छुप जाती है, लेकिन डेमन फिर भी उसको परेशान करता है। घर के बाहर फादर गैब्रियल को वेटिकन सिंबल के पीछे जमीन में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है और एक पेपर को आग लगाकर होल के अंदर देखते टाइम एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। घर के अंदर आने के बाद फादर गैब्रियल को जूलिया और एमी की चीखें सुनाई देती है। फिर फादर गैब्रियल और फादर थॉमस प्रेयर करके किसी तरह डेमन से जूलिया और एमी को बचा लेते हैं। उसके बाद फादर गैब्रियल थॉमस को वही होल दिखाने ले जाते हैं और उस होल को देखकर उनको समझ आता है कि वहाँ से नरक का रास्ता है और उनको अब इस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता लगाना होगा। उस जगह की बेसमेंट में सल्फर गैस बहुत सी मात्रा में थी, तो इसीलिए वहाँ पर आग लगने का खतरा बना रहता है। बेसमेंट की एक दीवार तोड़ते ही डेविल जाग जाता है और उस बेसमेंट के अंदर एक टनल में फादर गैब्रियल और थॉमस जाते हैं। फादर गैब्रियल के मुताबिक वो साइन टनल के थे और वहाँ पर उनको एक केज में एक लाश मिलती है जो कि उस चर्च के लास्ट फादर की थी और उनको डेविल से प्रोटेक्ट करने के लिए इस केज में रखा गया था। दूसरी तरफ रोम में पॉप्स को उसी चर्च की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि आज से 200 साल पहले गॉड के ही कुछ एंजल्स ने गॉड के खिलाफ जाकर डेविल की पूजा की थी, जिसके बाद डेविल अर्थ पर आ गया। चर्च के फादर को पता था कि डेविल गॉड से भी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो लोग गॉड को छोड़कर डेविल की पूजा करेंगे, तो इसलिए चर्च के फादर ने ये बात छुपा कर रखी। डेविल चर्च के हेड फादर को पजेस करके उनसे लोगों को मरवाना चाहता था ताकि लोग भगवान पर विश्वास करना छोड़ दें, तो इसलिए हेड फादर को उस केज में रखा गया था। ये सब बातें जानकर पॉप को हार्ट अटैक आ जाता है और हॉस्पिटल ले जाते टाइम पॉप बिशप को ये सारी बातें फादर गैब्रियल को बताने को कहता है। पॉप और कुछ बता पाते उससे पहले ही वो खून की उल्टी करने लगते हैं। अब इधर उस टनल के अंदर एक रूम था जो कि हेल के बहुत ही ज़्यादा करीब था और फादर गैब्रियल उसी केज वाले फादर की लाश से एक चाबी निकालकर उस रूम का ताला खोलते हैं। अंदर उनको उस टाइम के सबसे बड़े एग्जोसिस्ट फादर एस्क्यूबेल की डेथ बॉडी मिलती है। उनके पास से मिली बुक से फादर गैब्रियल को इस जगह की सारी रियलिटी पता चल जाती है। इस डेविल ने बहुत से टाइम में बहुत से लोगों को पजेस किया था और प्रेजेंट टाइम में डेविल फिर से वही प्लान के साथ आया है कि फादर गैब्रियल जैसे फेमस फादर और एग्जोसिस्ट को पजेस करके लोगों को मारना, क्योंकि फादर गैब्रियल पर लोग गॉड की तरह विश्वास करते हैं। चर्च के रिनोवेशन के टाइम पर वो डेविल नरक के उस होल से बाहर आ गया था। इधर जूलिया को एमी हेनरी के पास बैठी हुई मिलती है और एमी को भी थोड़ा थोड़ा करके डेविल ने पजेस कर लिया था। जूलिया एमी को अपने पास में बुलाती है और तब डेविल एमी और जूलिया दोनों को टॉर्चर करने लगता है। अब तक फादर गैब्रियल को ये पता चल चुका था कि इस डेविल का नाम एस्मोडस है और अब वो दोनों हेनरी पर एग्जॉस्ट कर सकते हैं, और नाम पता चलने के बाद डेविल गुस्से में चिल्लाने लगता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाकर एमी हेनरी को इंजेक्शन लगाकर उसे सुला देती है। फादर गैब्रियल और थॉमस दोनों हेनरी के एग्जॉस्ट के लिए रेडी होते हैं
और फादर गैब्रियल जूलिया को समझाते हैं कि डेविल उनको ट्रिक कर सकता है, तो इसीलिए वे लोग सभी बातों पर विश्वास न करें। फादर गैब्रियल को डेविल रोज के विजन दिखाने लगता है और थॉमस को लूसी के विजन दिखाता है जिसके साथ थॉमस इंटीमेट हुआ था, ताकि दोनों एग्जोसिस्म न कर पाए। लेकिन फिर भी दोनों खुद को संभाल कर प्रेयर करने लगते हैं और डेविल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बहुत तड़पता है। कुछ देर के बाद में हेनरी बेहोश हो जाता है और हेनरी की स्किन में डेविल गॉड इज नॉट हियर लिख देता है, यानी कि यहाँ पर डेविल अभी भी नहीं गया है। उसने अब एमी को पजेस कर लिया था और डेविल फादर गैब्रियल को उसकी बात मानने को कहता है। जब फादर गैब्रियल कमजोर नहीं पड़ते हैं तब डेविल थॉमस का गला घोटकर उसे मारने लगता है और एमी भी पजेस होकर जूलिया को तकलीफ दे रही थी। ये सब देखकर फादर गैब्रियल डेविल का गुलाम बनने के लिए राजी हो जाता है और तब हेनरी की बॉडी से डेविल निकलकर फादर गैब्रियल की बॉडी को पजेस कर लेता है। बाकी सब लोगों को डेविल छोड़ देता है और हेनरी भी अब बिल्कुल ठीक था। थॉमस जूलिया और हेनरी को अपनी कार में बिठा देता है और उनको जल्दी वहां से निकलने को कहता है। उसके बाद थॉमस फादर गैब्रियल की मदद करने जाता है और फादर गैब्रियल सुसाइड करने जा रहा था ताकि डेविल उनसे कोई बुरा काम नहीं करवा सके, लेकिन डेविल फादर गैब्रियल को मरने नहीं देता है। फादर गैब्रियल बेसमेंट में जाकर खुद के साथ डेविल को चलाकर मारने का सोचते हैं और यहाँ पर डेविल फिर से रोज का विजन दिखाकर फादर गैब्रियल को कमजोर कर देता है। थॉमस जब फादर गैब्रियल के पास आता है तो पजेस हो चुका था और थॉमस तब प्रेयर करके फादर गैब्रियल को स्ट्रांग बनने को कहता है। फादर गैब्रियल जब होश में आ रहे थे तो डेविल कमजोर पड़ता जा रहा था और थॉमस इसीलिए प्रेयर करना नहीं छोड़ता है और कुछ ही टाइम में डेविल फादर गैब्रियल की बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन डेविल फिर से रोज बनकर फादर गैब्रियल के पास और लूसी बनकर थॉमस के पास आता है। थॉमस लूसी के सर में क्रॉस घुसा देता है जिससे कि लूसी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर इसके बाद दोनों क्रॉस की मदद से प्रेयर पढ़कर रोज के रूप में आए एस्मोडस डेविल को उसी हॉल से नरक के रास्ते भेज देते हैं और फाइनली सब कुछ शांत हो जाता है। सीन कट होता है और कहानी अब कुछ दिनों के बाद से शुरू होती है, जहां पर जूलिया, हेनरी और एमी अमेरिका में बिल्कुल सेफ थे। पॉप भी हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे और फादर गैब्रियल और थॉमस को उनके काम के लिए तारीफ कर रहे थे। उस चर्च के सभी चीज़ों को अब वे लोग इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे। फादर बिशप से थॉमस और फादर गैब्रियल को पता लगता है कि अब भी दुनिया में 199 ऐसी जगह है जहां पर डेमन का राज चलता है और उनको उन्हीं जगहों को ढूंढकर डेविल को हेल में कैद करना है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने एस्मोडस डेमन के बारे में देखा। एस्मोडस एक ऐसे फादर को पजेस करना चाहता था जिस पर लोगों को गॉड की तरह विश्वास हो, ताकि जब पजेस्ड फादर लोगों को मारे तो लोग गॉड को छोड़कर डेविल की पूजा करने लगे। गॉड के कुछ एंजल्स ने डेविल गॉड से ज्यादा ताकतवर है ये जानकर डेविल की पूजा करके उस होल से डेविल को धरती पर लेकर आए थे। चर्च के फादर ने ये बात लोगों से छुपा कर रखी थी, नहीं तो लोग गॉड की पूजा करना छोड़कर डेविल को पूजेंगे। और उस टाइम फादर ने खुद को केज में बंद कर लिया था ताकि डेविल उनसे कोई भी गलत काम न करवाए। उसके बाद चर्च के फादर्स ने मिलकर डेविल को नरक में भेजकर उस होल का डोर बंद कर दिया था, लेकिन रिनोवेशन के टाइम वो डोर खुल गया था और डेविल वहां से आजाद हो गया था। और इस बार डेविल फादर गैब्रियल से अपने काम को पूरा करवाना चाहता था, क्योंकि फादर गैब्रियल बहुत ज्यादा पावरफुल थे और लोगों को उन पर बहुत विश्वास था। लेकिन फादर गैब्रियल की हिम्मत के कारण डेविल हार गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मूवी रियल लाइफ एग्जोसिस्म फादर गैब्रियल अमोर्थ पर बनी हुई है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एग्जोसिस्म किए थे और उनकी मौत 2016 में हो गई थी। तो दोस्तों, ये था द पॉप्स एग्जोसिस्ट का एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग